केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया था। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष राज्य का दर्जा भी छिन गया और सरकार ने उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। इसके अलावा लद्दाख को भी जम्मू कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से हालात तनावपूर्ण हैं। घाटी में आर्टिकल 370 के हटने के बाद से वहां सेना की जबरदस्त तैनाती है। एहतियातन धारा 144 लागू होने से आम कश्मीरी अपने घरों में ही रहने को मजबूर हैं। हालांकि सेना की तरफ से सभी लोगों के लिए हर संभव मदद मुहैया कराई जा रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भद्रवा इलाके में भारतीय क्रिकेटर मिथुन मन्हास का परिवार भी रहता है, जो कि इस तनावपूर्ण हालातों के बीच फंस गया है। लेकिन भारतीय सेना ने इस परिवार की हर संभव मदद की है, जिसके लिए मिथुन मन्हास ने इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा किया है। दिल्ली रणजी टीम के पूर्व कप्तान और IPL में चेन्नई, दिल्ली और पुणे वॉरियर्स जैसी टीमों के लिए खेल चुके मिथुन मन्हास ने ट्विटर पर एक पोस्ट डाली है, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है, मेरे दादा दादी भद्रवा में रहते हैं, वो काफ़ी बुजुर्ग हैं। मुझे अभी खबर मिली कि वो सकुशल हैं। मैं इंडियन आर्मी को उनका ख्याल रखने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे दादा दादी की देखरेख की और उनकी दवाइयाँ भी पहुँचाई। जय जवान। मिथुन मन्हास को चिंता थी कि उनके बूढ़े दादा दादी का ऐसे हालातों में कौन ध्यान रखेगा, लेकिन भारतीय सेना ने उनकी मदद कर सभी का दिल जीत लिया। आपको बता दें, मिथुन मन्हास जम्मू के ही रहने वाले हैं। उन्होंने दिल्ली की रणजी टीम की कई सालों तक कप्तानी की। मिथुन मन्हास ने अपना आखिरी फर्स्ट क्लास मैच 2016 में खेला था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।